बंद कर दे टीवी अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लोज करो अपना। गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। अरे ऑडियो बंद करो। ऑडियो अपना किसका ऑडियो चालू है? ऑडियो ऑन किसका है? बंद करो। जियोटेक शुरू हो गया। हमें मैसेज तो आया था एनवायरनमेंट। अरे जियोटेक नहीं, एनवायरनमेंट ही है। ओके, ये जियोटेक के पीछे लिखा हुआ है। लगाओ। ओके चलो। ओके कितने बच्चे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। आया हो? म्यूट करो भाई जिसकी आवाज चालू है। वो जिसका ऑडियो ऑन है वो म्यूट करो। गुड मॉर्निंग। एक उंच चलिए। तो एनवायरनमेंट शुरू करने वाले हैं ना। हमारे पास जैसा कि नोटिफिकेशन आया होगा एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग।
एनवायरमेंट इंजीनियरिंग तुम्हारे सिलेबस में होगा एनवायरमेंट है ना? यस सर है। तो अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। अब चैट के थ्रू आंसर देना, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। एनवायरमेंट तुम्हारे सिलेबस में होगा? यस सर है सिलेबस। है यस सर। कितने पार्ट है एनवायरमेंट के? कितने पार्ट है कॉलेज वाला से? एक मिनट, एनवायरमेंट में कितने पार्ट है? ये तो तुम्हारे ऑडियो जिनके चालू है वो ऑडियो बंद करो, तुम्हारे ऑडियो बंद करो, चैट के थ्रू चैट के थ्रू आंसर करो। कितने पार्ट है एनवायरनमेंट के? कौन बताएगा? तीन पार्ट, तीन पार्ट, ठीक है। एक्चुअल में एनवायरनमेंट के चार पार्ट हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो तीन ही पार्ट हैं। चार पार्ट कौन कौन से हैं? पार्ट वन, पार्ट टू, थ्री एंड फोर। चार पार्ट है एनवायरमेंट के। पहले वाला जो पार्ट है वो है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। पहले वाला पार्ट है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी में हम इसका सिलेबस भी कवर कर लेंगे। दूसरा पार्ट है सीवेज इंजीनियरिंग, या इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये इसको बोलते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तीसरा जो पार्ट है ये है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और चौथा जो पार्ट है वो है पॉल्यूशन, चौथा पार्ट है पॉल्यूशन। ये चार पार्ट है एनवायरमेंट के। अब इन चार पार्ट में है क्या क्या? पहले वाला जो पार्ट है वाटर सप्लाई एंड इंजीनियरिंग, उसमें सबसे पहला चैप्टर है वाटर डिमांड, वाटर डिमांड। दूसरा जो पार्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉ वाटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वाटर। थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वेस्ट वॉटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वॉटर इंजीनियरिंग में है आपका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। रॉ वाटर में और वेस्ट वाटर में फर्क होता है, कौन बताएगा? रॉ वाटर में और वेस्ट वाटर में क्या फर्क है? सौम्य आर्या, सर आपको सिलेबस नहीं भेजा गया क्या? बेटा मुझे पता है सिलेबस, एनवायरमेंट पढ़ाता हूं मैं, कि एनवायरमेंट में क्या है। कौन बताएगा कि वेस्ट वाटर और रो वाटर में क्या फर्क है? चैट के थ्रू बताना है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। चैट के थ्रू बताना है कि वेस्ट वाटर और रो वाटर में क्या फर्क है। कौन बताएगा? ये मैं कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूं, एनवायरमेंट का कंप्लीट सिलेबस है ये, एनवायरमेंट का कंप्लीट सिलेबस है। किसी को नहीं बता क्या वेस्ट वाटर क्या है, रॉ वाटर क्या है? प्रज्ञा, रॉ वाटर इज
विच नेवर यूज्ड बिफोर एंड वेस्ट वॉचर इज वन विच इज यूज्ड, ठीक है मान सकते हैं। चलो बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वॉटर, दूसरा पार्ट है इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस, दूसरा पार्ट है इसका बायोकेमिकल रिएक्शंस इन वेस्ट वॉटर, इन वेस्ट वॉटर। तीसरा है एफ्लुएंट ऑफ सीवेज, एफ्लुएंट ऑफ सीवेज। अभी मैं पूरे सिलेबस पे फ्लो डायग्राम में बताऊंगा। फोर्थ इज सीवर सिस्टम, ये ऐसा लिख देते हैं डिजाइन ऑफ सीवर सिस्टम, डिजाइन ऑफ सीवर सिस्टम, राइट। एंड द फिफ्थ इज सीवेज ट्रीटमेंट, फिफ्थ इज सीवेज ट्रीटमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यही चैप्टर एक ही है सिर्फ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से ही है। किसी सेमेस्टर में शायद तुम्हारे पूरा सब्जेक्ट भी आता होगा ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करके। और पॉल्यूशन में दो तरह के पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एक मिनट दीजिए मेरे को, दिख रहा है प्रॉपर, इसको नोट करिए पहले फिर आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके बताओ फटाफट, दिख तो रहा है ना? यस सर। योगेश कुर्मी वीडियो बंद करो अपना, बंद है सर। सामने से थोड़ा सा साइट हो जाएगी, दिख नहीं रहा। नोट कर लिया? नो सर, सामने से हट जाइए सर, रेड वाले मार्कर से उतना क्लियर नहीं दिख रहा। चलो रेड यूज नहीं करेंगे, रेड यूज नहीं करेंगे। अब दिख रहा है क्या रेड से? देखो तो रेड से दिख रहा है क्या? नहीं तो रेड यूज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए फटाफट, कोई बात नहीं, रेड यूज नहीं करेंगे अभी तो। लिख लो, ये पहले वाला है वाटर डिमांड, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वाटर, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एंड फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी के लिए लिख लो, फिर रेड यूज नहीं करेंगे बाद में। येलो मिटा देता हूं इसको। फटाफट नोट कर लो, हो गया सभी का? बता दूं, बता दूं क्या? ओके तो ये तो थी सिलेबस की बात। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट, और कुछ पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर से आ जाता है, जिसमें से सिर्फ बीओडी पूछता है, जिसमें से सिर्फ बीओडी पूछता है। ये
तीन चार टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और गेट में भी लगभग लगभग सारे क्वेश्चन है, 80% क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगर वेटेज की बात करूं मैं, अगर मैं वेटेज की बात करूं गेट के लिए अगर पढ़ रहे हैं, तो गेट में एनवायरमेंट का तकरीबन 12 मार्क्स का वेटेज रहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, और ये मान के चलिए कि 12 क्वेश्चन में से कम 9 क्वेश्चन तो इन चार टॉपिक से पूछे जाएंगे। ये एवरेज बता रहा हूं मैं कि एवरेज 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट 12 नंबर कैरी करता है तो वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में गेट में, ठीक है। तो ये तो बात हुई इसके सिलेबस की, ये बात हुई इसके सिलेबस की। अब हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंट में हम करते क्या है, इस पूरे के पूरे सिलेबस को एक फ्लो चार्ट में मैं आपको बता दूं। एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है, कौन बताएगा? एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है? एग्जाम में आता है इसलिए। एनवायरमेंट पढ़ने की जरूरत क्या है? हाँ ना, कुछ प्रॉपरली रिसोर्सेज यूटिलाइज कर सकें। हम करने क्या वाले हैं एनवायरमेंट में? मैंने सिलेबस लिख के भी बताया भी आपको कि क्या क्या सिलेबस पढ़ेंगे, उसके हिसाब से बता सकते हो हम करने क्या वाले हैं, हम एनवायरमेंट में करने वाले क्या हैं? और मैनेज भी कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी ले लो आप, जैसे मैं भोपाल ले लेता हूं, ठीक है। अब इस भोपाल की पॉपुलेशन सपोज करते हैं 10 लाख है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना पॉपुलेशन है, लेकिन 10 लाख लोग भोपाल में रहते हैं। अब इन 10 लाख लोगों के पानी की व्यवस्था करना, इन 10 लाख लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करना, और पानी यूज होने के बाद उसका क्या होगा वो व्यवस्था करना, वो आपकी जिम्मेदारी है एज ए सिविल इंजीनियर। तो इन 10 लाख लोगों को कितना वाटर चाहिए पीने के लिए या और सारे काम करने के लिए, इन 10 लाख लोगों को कितना पानी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पानी की क्वांटिटी अगर आपको पता चल जाए तो उससे काम चल सकता है क्या? सबसे पहले तो हमको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि जो 10 लाख लोग हैं उन 10 लाख लोगों को वाटर की क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी, उन 10 लाख लोगों को पानी की क्वांटिटी कितनी चाहिए होगी। अगर तुमको पानी की क्वांटिटी पता चल जाए कि साहब एक आदमी को 100 लीटर 150 लीटर पानी चाहिए होता है, उसमें इसका काम चल जाता है, तो एक आदमी को ऑन एन एवरेज 150 लीटर पानी चाहिए मान लो एक दिन में, और टोटल आदमी कितने हैं 10 लाख आदमी है, तो इतना पानी हमको डेली चाहिए भोपाल के लिए, इतना पानी हमको डेली चाहिए भोपाल के लिए। अब इस पानी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम क्या चीज देखोगे कि इतना पानी आप लाओगे कहां से, कि तुमको सिटी की डिमांड तो पता चल गई कि एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए सभी काम पूरे करने के लिए, उसमें सारी चीजें आ गई, आगे पढ़ेंगे हम वाटर डिमांड अभी, और टोटल पॉपुलेशन 10 लाख है, तो तुमको टोटल अमाउंट ऑफ वाटर डेली का पता चल गया। इसी हिसाब से अगर डेली की वाटर डिमांड को मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ये पता चल जाएगा कि भोपाल के लिए एक साल में इतना पानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया वाटर रिक्वायर्ड फॉर वन ईयर, वाटर रिक्वायर्ड फॉर वन ईयर, ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब क्या करेंगे, जब तुम्हारे पास डिमांड है तो अब हमारा अगला स्टेप ये होगा कि यार इतना पानी लाएंगे कहां से, इतना पानी लाएंगे कहां से, तो इसके लिए फिर आपको कोई सोर्स देखना पड़ेगा पानी का, इसके लिए फिर आपको कोई सोर्स देखना पड़ेगा। अब सोर्स कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सोर्स तुमको डैम से पानी ले रहे हो सकता है तुमको रिवर काम में ले रहे हो सकता है तुमको ट्यूबवेल वगैरह काम में ले रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज आप काम में ले रहे होगे, कुल मिलाकर के या तो सरफेस वाटर काम में ले रहे हो या ग्राउंड वाटर काम में ले रहे हो,
कुल मिला के या तो आप सरफेस वाटर काम में लोगे या तो आप ग्राउंड वाटर काम में लोगे, या तो आप ग्राउंड वाटर काम में लोगे। इतनी सारी जानकारी इकट्ठी करना, ये तो आता है पहले वाले चैप्टर कि वाटर डिमांड कितनी होगी और उस वाटर डिमांड के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। अब इन सोर्सेज से जैसे पानी अल्टीमेटली तुम डैम से ले रहे हो, डैम से पानी ले रहे हो और ये पानी जाएगा कहां, किसी भी आदमी के टैप में, किसी भी आदमी के घर में, तो यहां से उसको उस आदमी के घर में पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। बीच में कहां कहां रुकेगा ये, कहां कहां क्या क्या होगा वो हम देखेंगे अभी। तो इतनी सारी बातें आती हैं पहले वाले चैप्टर। अब तुम्हारे पास सोर्स भी है, तुम्हारे पास डिमांड भी है, अब क्या करोगे? तुम्हारे पास सोर्स भी है और डिमांड भी है तो क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे क्या कि साहब इन सारे के सारे 10 लाख आदमियों के घर में पाइप दे देंगे यहां से डैम से डायरेक्टली? ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारे पास डैम है, पानी की व्यवस्था भी है, पानी की डिमांड भी है, तुमको लोगों का भी पता है, तो क्या इस डैम से सभी को पानी की सप्लाई कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इस वाटर का क्या करेंगे? इस वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट से पहले एक चीज आएगी भाई, जब कोई भी आदमी ट्रीटमेंट लेने जाता है, बीमारी अगर डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर इलाज करता किसका है? डॉक्टर उसका इलाज करने से पहले डायग्नोस करता है कि समस्या क्या है। उसी तरह से वाटर को ट्रीट करने से पहले इस वाटर में इंप्योरिटीज क्या क्या है, इस वाटर में इंप्योरिटीज क्या है उनका पता चलेगा। क्लास चल रही है, अरे लाइव क्लास है। अब इस वाटर में इंप्योरिटीज क्या है, जब आपको इंप्योरिटीज पता चलेंगी तो उस इंप्योरिटी के हिसाब से हम ट्रीट कर देंगे। क्योंकि सपोज कीजिए कि वाटर में अलग अलग तरीके की इंप्योरिटीज हो सकती है। वाटर में मान लेते हैं कि अल्कलिनिटी है, वाटर में मान लेते हैं कि कैल्शियम है, कुछ भी है, वाटर में मान लेते हैं पीएच है, हार्डनेस है, कुछ भी है, पीएच है, हार्डनेस है, कुछ भी है। अब क्या इन सभी को पूरी तरह से रिमूव करना जरूरी होता है क्या? क्या इन सभी की वैल्यू जीरो करना जरूरी होता है क्या? सारी की सारी इंप्योरिटीज का 100% रिमूवल जरूरी होता है क्या? तो कहां तक ट्रीट करते हैं? परमिसिबल वैल्यू तक, क्योंकि इन सभी की कोई परमिसिबल वैल्यू होगी, इन सभी की कोई परमिसिबल वैल्यू होगी कि आप, और ये परमिसिबल वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, ये परमिसिबल वैल्यू डिपेंड किस पे करती है कि आप पानी से करोगे क्या। अगर तुमको मान लीजिए पानी गार्डन में देना है तो हो सकता है उसके लिए अल्कलिनिटी वगैरह की वैल्यू, हार्डनेस की वैल्यू ज्यादा चाहिए होगी। अगर आपको पानी पीने के काम में लेना है तो हो सकता है इनकी जो परमिसिबल वैल्यू है वो परमिसिबल वैल्यू को सड़क रहे। तो हम इस पानी का करेंगे क्या, पानी को यूज कहां पे लोगे, उस पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग पैरामीटर की परमिसिबल वैल्यूज क्या होंगी और उसके अकॉर्डिंग इन पैरामीटर्स को या इन इंप्योरिटीज को परमिसिबल लिमिट में रखने के लिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो तुमको इसके इंप्योरिटीज पता चल गई, कैसे पता करेंगे वो देखेंगे। उसके बाद इन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फर्दर डिजायर्ड डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट परफॉर्म करते हैं। ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद फिर इसकी सप्लाई कर दी जाती है, ट्रीटमेंट के बाद इसकी सप्लाई कर दी जाती है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? इसी को दूसरे तरीके से मैं दिखाता हूं, उसमें सारी चीजें दिखा देंगे। ये तो एक प्रोसीजर है, वाटर सप्लाई का प्रोसीजर है, ये एक वाटर सप्लाई का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है, सोर्स रहता है। सबसे पहले हमारे पास
कोई एक सोर्स रहता है पानी। अब ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है। इस सोर्स से हम पानी को, अच्छा पानी का ट्रीटमेंट कहां पे करेंगे? पानी का ट्रीटमेंट कहां पे करोगे? ट्रीटमेंट प्लांट में, पानी का ट्रीटमेंट करेंगे ट्रीटमेंट प्लांट में। तो ये सोर्स से पानी को लाया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, इस सोर्स से पानी को लाया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में, ट्रीटमेंट प्लांट। जिन पाइप से, सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लाया जाता है, इन पाइप्स को बोलते हैं पाइप मेंस, इन पाइप्स को बोलते हैं पाइप मेंस। ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर के ट्रीट होने के बाद क्या ट्रीटमेंट प्लांट से डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है क्या? वाटर के ट्रीटमेंट के बाद डायरेक्ट सप्लाई कर दिया जाता है क्या? नहीं किया जाता। इसके बाद इसको पहले स्टोर करके रखते हैं, कहां पे? कोई भी रिजर्वायर में। इसको हम कोई भी रिजर्वायर में स्टोर करके रखते हैं, उस रिजर्वायर का नाम दे देते हैं सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर। तो ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, सर्विस रिजर्वायर हो गया। इस ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वायर में, अब हो सकता है तुमको कोई पंपिंग की जरूरत पड़े, यहाँ पे मोटर वगैरह की जरूरत पड़े, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगे। तो ये भी जो पाइप होगा ट्रीटमेंट प्लांट से सर्विस रिजर्वायर में ले जाने वाला, इसको भी बोलते हैं पंपिंग मेंस, इसको भी बोलते हैं पंपिंग मेंस, ठीक है, इसको भी पंपिंग मेंस बोलते हैं। अब एक सेकेंड, ये पंपिंग मेंस होता है। अब इस सर्विस रिजर्वायर से फिर वाटर को अलग अलग जहां जहां भी जरूरत है, जहां जहां भी जरूरत है, किसी आदमी का मकान यहां है, किसी आदमी का मकान यहां है, किसी का यहां है, यहां है, ये सारे के सारे क्या है? हाउस होल्ड है, ये सारे के सारे क्या है? हाउस होल्ड है। यहां पे वाटर को सप्लाई कर दिया जाता है। सर्विस रिजर्वायर से जो हाउस होल्ड पे पानी ले जाता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो पूरा है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बात पूरी हुई। यहां तक की कहानी में किसी को प्रॉब्लम? कुछ यहां तक की कहानी क्लियर है? रेस्पॉन्स तो दिया करो कम से कम। चलिए, लेकिन क्या पानी की कहानी यही खत्म हो जाती है क्या? जो पानी का तुमको अरेंजमेंट करना है, पानी का तुमको मैनेजमेंट करना है, वो क्या यहीं पे खत्म हो जाता है क्या? नहीं, तो क्या होता है आगे? इसके आगे क्या होता है फिर? भाई तुमको किसी सिटी को पानी की सप्लाई करनी थी, तुमने कर दी, अब इससे आगे क्या? वेस्ट वाटर, इससे आगे वेस्ट वाटर। यहां तक का काम तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी असली प्रॉब्लम चालू होती है। जितना वाटर तुमने सप्लाई किया उस वाटर का तकरीबन 80% हिस्सा, उस वाटर का तकरीबन 80% पार्ट सीवेज में चला जाता है, सीवर में चला जाता है। मतलब इसका 80% पार्ट सीवेज बना देता है और वो सीवर में चला जाता है। ये जो वाटर है ट्रीटमेंट प्लांट में आने से पहले जब हमने वाटर को ट्रीट नहीं किया था, वो है रॉ वाटर, वो है रॉ वाटर। अब ये वाटर यहां पे कंज्यूम हुआ, कंज्यूम होने के बाद जब यहां से बाहर जाएगा, कंज्यूम होने के बाद जब यहां से बाहर जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा वेस्ट वाटर, तो इसका नाम हो जाएगा वेस्ट वाटर। अब इस वेस्ट वाटर का अल्टीमेटली क्या करेंगे? अब इस वेस्ट वाटर का अल्टीमेटली करेंगे क्या? हम्म,
वेस्ट वाटर का क्या करेंगे? गंगा में बांधेंगे क्या डायरेक्ट? इसको गंगा में डाल देंगे क्या? इस वेस्ट वाटर को हमको अल्टीमेटली डिस्पोज करना होता है, इस वेस्ट वाटर को अल्टीमेटली डिस्पोज करना होता है कहीं भी। इसको डिस्पोज आप लैंड पे कर सकते हो, इसको डिस्पोज आप कोई भी वाटर बॉडी में कर सकते हो। जनरली वाटर बॉडी में डिस्पोज किया जाता है। अब ये वाटर बॉडी हो सकता है कोई लेक हो सकता है कोई रिवर हो या सी हो, कुछ भी हो, इसको वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया जाता है। इसको डायरेक्टली ऐसे कैसा डिस्पोज कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो वेस्ट वाटर है, इस वेस्ट वाटर में दुनिया भर के तरीके की इंप्योरिटीज हो सकती हैं, इंप्योरिटीज हो सकती है। अब इस इंप्योरिटी के साथ हम इसको यहां पे नहीं कर सकते डिस्पोज, क्योंकि इनका खुद का भी कोई इकोसिस्टम होता है और वो इकोसिस्टम खराब हो जाए, इस वजह से ये जो इंप्योरिटीज हैं, इन इंप्योरिटीज को परमिसिबल लिमिट में रखने के लिए, इनको परमिसिबल लिमिट में रखने के लिए क्या परफॉर्म किया जाता है? ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है, ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है, और ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के बाद फिर हम इसको फाइनली डिस्पोज कर देते हैं। ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के बाद हम इसको फाइनली डिस्पोज कर देते हैं। अब इनकी परमिसिबल लिमिट अलग अलग हो सकती है। जैसे आप अगर रिवर में डाल रहे हो तो उसकी परमिसिबल लिमिट कुछ अलग होगी, अगर आप लैंड पे डिस्पोज कर रहे हो तो उसकी परमिसिबल लिमिट हो सकता है अलग हो, सी में डिस्पोज कर रहे हो वहां की परमिसिबल लिमिट अलग अलग चीज की अलग अलग हो सकती है। उस डिजायर्ड डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट को हम परफॉर्म करके और फिर इसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर घर से जाने के बाद जो वाटर है वो हो गया वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता है, वेस्ट वाटर कलेक्ट किया जाता है लेटरल से, घरों से जो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है, घरों से जो वेस्ट वाटर को कलेक्ट करता है उनको कहते हैं लेटरल्स। ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल है, ये भी लेटरल्स है, ये भी लेटरल्स है, ये सारे के सारे क्या है? लेटरल्स बोलते हैं। लेटरल क्या करता है? ब्रांच सीवर में, लेटरल्स क्या करते हैं? ब्रांच सीवर में पानी को डालते हैं या वेस्ट वाटर को डालते हैं। ये है ब्रांच सीवर, ब्रांच सीवर। ये ब्रांच सीवर क्या करता है? ब्रांच सीवर पानी को ले जाता है मेन सीवर में, ब्रांच सीवर पानी को ले जाता है मेन सीवर लाइन में, मेन सीवर लाइन। मेन सीवर लाइन इस पानी को ले जाता है कहां पे? ट्रीटमेंट प्लांट में, या फिर मैं इसको यहां बना देता हूं ट्रीटमेंट प्लांट। मेन सीवर ले जाता है ट्रीटमेंट प्लांट, और ये होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और यहां से फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, यहां पे फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए तुमने नदी में गए डिस्पोज किया, डिस्पोज करने के बाद उसके 10-5 किलोमीटर बाद आगे जाके कोई भी लोग वहां से पीने का पानी ले रहे होंगे, तो फिर वो वापस यहां से शुरू हो जाएगा। ये पूरी की पूरी जर्नी है पानी जिसके बारे में आपको सोचना है, ये पूरी की पूरी पानी की जर्नी है जिसके बारे में आपको सोचना है। तो यहां तक के कहानी में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अभी तक यहां तक के कहानी में किसी को दिक्कत हो तो समझ में आ रही है चीजें? चलिए, ये अगर किसी को बनाना है तो बना लो, पूरे का पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा एक बार कि पूरे एनवायरनमेंट में है क्या। ये डायग्राम बना लो कहीं, फिर शुरू करते हैं। इसको बना लीजिए एक बार।
हो गया। डन। ओके अब एक चीज बताओ कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं इसमें से, पूरे वाटर सिस्टम में हमने काफी सारी चीजों को काम में लिए, इस पूरे वाटर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीजों को काम में लिया, जिसमें सोर्स भी था, जिसमें पाइप मेंस भी थे, जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट भी है, ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें सर्विस रिजर्वायर भी है और जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, इसके अलावा सीवर भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये काफी सारी चीजें हैं। तो आज जो भोपाल की पॉपुलेशन है इसको पूरे के पूरे को वाटर सप्लाई स्कीम बोलते हैं, जिनमें सारी चीजें आती हैं, ये पूरे के पूरी किसके अंदर आती है, वाटर सप्लाई स्कीम के अंदर आती है, ये पूरे का पूरा वाटर सप्लाई स्कीम में आता है। अब ये जो पूरे के पूरी वाटर सप्लाई स्कीम है, जैसे आज अगर कोई नई सिटी बन रही है, मान लो कोई भी नई सिटी बन रही है, जैसे अमरावती बन रहा है, तो उस अमरावती सिटी की पॉपुलेशन आज 10 लाख है, उस अमरावती की पॉपुलेशन मान लीजिए 10 लाख है, तो क्या इस 10 लाख के लिए ये चीजें डिजाइन होंगी, क्या इस 10 लाख के लिए ये चीजें डिजाइन होंगी, या कोई अलग पॉपुलेशन के लिए या अलग टाइम के लिए ये चीजें डिजाइन होंगी, तो किसके लिए डिजाइन होंगे, ये जो सारी चीजें हैं ये इतनी आसान नहीं होती कि आप इनको हर साल, एक साल में, दो साल में, चार साल में रिप्लेस कर पाओ, ये चीजें इतनी आसानी से इंस्टॉल नहीं होती है कि आप इनको हर साल रिन्यू कर दो। अब जैसे तुम गाड़ी लेते हो, गाड़ी हर साल आदमी बदल लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले शादी हुई आदमी की, दो मियां बीवी थे, उनके हिसाब से गाड़ी ले ली, फिर दो साल बाद बच्चे हुए, उनके हिसाब से फिर गाड़ी बढ़ा ली, तो इस तरीके की चीजें तो हो जाती है। इनका जो इंस्टॉलमेंट है, इनका इंस्टॉलमेंट इतना आसान नहीं है, इनका रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है, तो इनको कुछ ना कुछ मिनिमम टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है, इनको कुछ ना कुछ मिनिमम टाइम के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे मान लीजिए 15 साल के लिए, 20 साल के लिए डिजाइन किया, जैसे मान लीजिए 15 साल के लिए डिजाइन किया। अब इनकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये जो सिटी आज बनी इसकी पॉपुलेशन 15 साल बाद कितनी होगी, इसकी पॉपुलेशन आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगी, उसके लिए भी ये सप्लाई देता रहे। ऐसा नहीं हो कि आज तुमने इसको आज की पॉपुलेशन के हिसाब से डिजाइन कर दिया, डिजाइन तो तुमने 15 साल के लिए किया है, 15 साल डिजाइन का मतलब है इसका डिजाइन पीरियड 15 साल, इन सिस्टम का जो डिजाइन पीरियड है वो 15 साल, डिजाइन पीरियड 15 ईयर्स है। डिजाइन पीरियड का मतलब क्या होता है, डिजाइन पीरियड का मतलब क्या होता है कि भाई जितने दिन के लिए किसी भी चीज को डिजाइन किया गया है वो उतने दिन तक अपनी सेवा लगातार सुचारू रूप से देता रहे, ये मतलब होता है। तो आपने 15 साल के लिए डिजाइन तो कर दिया, लेकिन अगर पॉपुलेशन में 10 लाख के लिए ही डिजाइन करूंगा तो क्या 15 साल के बाद ये सिस्टम सफिशियंट होगा क्या, ये सिस्टम सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि 15 साल के बाद हो सकता है यहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख हो जाए, हो सकता है 15 साल के लिए पॉपुलेशन 25 लाख हो जाए। तो अगर मैं 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 15 साल के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजाइन करूंगा तो वो 15 साल बाद सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इससे फिर हम 25 लाख लोगों के पानी की सप्लाई नहीं कर सकते। तो इन ये जो वाटर सप्लाई स्कीम है,
इस वाटर सप्लाई स्कीम को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन कौन सी? फ्यूचर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कौन सा? फ्यूचर पॉपुलेशन। ये फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिटी है, ये किस तरीके का एरिया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं पुरानी दिल्ली का, अब पुरानी दिल्ली में अगर मान लीजिए वाटर सप्लाई स्कीम पुरानी हो गई होगी, जिसको 15 20 साल 30 साल हो गए होंगे, तो नई वाटर सप्लाई स्कीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी सबकी उम्र तो होती ही है। अब पुरानी दिल्ली में क्या है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, वो अपने सैचुरेशन पे चला गया है। पुरानी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो अपने सैचुरेशन पे चली गई, तो उसको हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे। जैसे अमरावती का मैंने एग्जांपल लिया, अमरावती अभी यंग सिटी है, अभी सिटी बन रही है, उसमें अभी बहुत पोटेंशियल है पॉपुलेशन बढ़ने का, उसकी फोरकास्टिंग हम उसी तरह से करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरी के पूरी वाटर सप्लाई स्कीम को हम फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए उसी तरीके की कैपेसिटी के लिए, अगर मैं 15 साल के लिए डिजाइन कर रहा हूं तो आज से 15 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो सकती है उसके लिए मैं डिजाइन करूंगा, उतनी कैपेसिटी के लिए मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है, तुम देखते होगे बहुत सारी जगह पे जैसे बारिश होती है तो बारिश में जो पानी है वो भर जाता है, सड़कों पे पानी भर जाता है, किसी के मोहल्ले में पानी आ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाया, वो ड्रेनेज सिस्टम आज की पॉपुलेशन के लिए, आज के अमाउंट के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, उस टाइम के लिए रहा होगा, कभी आज के हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है, तो उसको बदल देने की जरूरत होती है। इसलिए हम पॉपुलेशन को पहले ही ध्यान में रख के चलते हैं ये तो हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, छोटा सा तो नहीं था खैर, लेकिन ये एक ओवरव्यू हो गया एनवायरनमेंट का। समझ में आ रही है चीजें यहां तक? देखिए, बाकी सब्जेक्ट के बजाय आपको एनवायरनमेंट में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। उसका कारण क्या है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्ट सब्जेक्ट है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सिविल इंजीनियरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, बीच बीच में आपको ऐसी फीलिंग भी आएगी जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, बीच बीच में ऐसा भी फीलिंग आएगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जो चीज पढ़ो डेली उसको घर पे जाकर रिवाइज कर लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वो डेली होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, लिखो चैप्टर फर्स्ट। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है। तो चैप्टर फर्स्ट है, सबसे पहले वाटर सप्लाई स्कीम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर पहले वाले पार्ट का वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का, वाटर डिमांड सोर्स एंड कन्वेंस, डिमांड सोर्स एंड कन्वेंस। मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिख रहा हूं। अ वाटर सप्लाई स्कीम इंक्लूड्स, इन चीजों को मैं डिक्टेट पहले कर चुका हूं, तो अब तुम्हारा सिर्फ लिखने का काम है थोड़ी देर। वाटर सप्लाई स्कीम इंक्लूड्स ह्यूज एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर्स, such as dams, reservoir, treatment plant, etc. Treatment plants,
एटसेट्रा विच कैनॉट बी रिप्लेस्ड और इंक्रीज इन देयर कैपेसिटीज विच cannot be replaced, which cannot be replaced and increased in their capacities, increased in their capacities easily. In order to avoid these future complications, In order to avoid these future complications, the various components of water supply scheme are made larger so as to satisfy the community needs, for reasonable number of years. This future period for which the provision is made in designing the capacities of various components, designing capacities of various components of the water supply scheme is known as design period. Is known as design period. एक छोटा सा टेबल है. Units और डिजाइन पीरियड, मतलब कौन सी चीजों को कितने दिन के लिए डिजाइन किया जाता है. यूनिट्स एंड डिजाइन पीरियड. वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स इनको 15 साल के लिए डिजाइन किया जाता है, 15 ईयर्स. दूसरा है पाइप कनेक्शंस टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट्स. पाइप कनेक्शंस, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पाइप मेंस, क्योंकि पाइप मेंस तुमको समझ में आ गया है क्या है. पाइप मेंस 30 ईयर्स. सर्विस रिजर्वायर
15 years and distribution system for 30 years. इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं. नोट कर लिया क्या? ये करना है अभी. डन. हो गया. चलिए आगे चलते हैं. पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये तुम्हारे एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पॉपुलेशन फोरकास्टिंग तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इसमें मैं एक लाइन लिखता हूं पहले कि वाटर सप्लाई स्कीम्स आर डिजाइंड फॉर फ्यूचर पॉपुलेशन. फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन किसी सिटी की फ्यूचर पॉपुलेशन क्या होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा. ये तो बहुत साधारण सी चीज है. शादियों पे, वेरी गुड योगेश आर्या. रेट ऑफ डेथ एंड माइग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज. शादियों पे भी करता है, सही बात है ना, शादियों पे भी करता है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में बच्चे के जन्म देने के लिए शादियां जरूरी होती है, शादियां रेस्पॉन्सिबल होती है. तीन चीजों पे मेनली डिपेंड करता है ये. पहला है बर्थ, दूसरा डेथ और तीसरा है माइग्रेशन. बर्थ और डेथ तो साधारण चीजें हैं, माइग्रेशन डिपेंड करता है वहां की इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर कि वहां से लोगों को जाना है या वहां पे लोगों को आना है. ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर मेनली डिपेंड करता है. ग्रोथ कर्व, अगला लिखिए ग्रोथ कर्व.
ग्रोथ कर्व से पहले, चलो मैं पहले कर्व बना देता हूं, ग्रोथ कर्व बना देते हैं। लगभग सभी सिटीज इस तरीके का कर्व फॉलो करती हैं, किस कंडीशन में करती हैं वो बताएंगे। ये सीधी लाइन है ना, तो ये बताता है पॉपुलेशन टाइम के साथ, पॉपुलेशन बताता है टाइम के साथ, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, दिख रहा है क्या ये? तुमको सभी कलर एक ही जैसे दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये कर्व बना लो एक बार, ये पॉइंट, चलो यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं इसको, यहां से शुरू करते हैं। ये पॉइंट ए है, ये इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट बी, यहां पे सी हो गया, ये पॉइंट नाम देता हूं सी, और ये पॉइंट मैं नाम दे देता हूं डी। पहले वाले फेज में जो डी पी बाय डी टी है वो प्रोपोर्शनल टू पी है, दूसरे वाले फेज में डी पी बाय डी टी कॉन्स्टेंट है, और तीसरे वाले फेज में डी पी बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस पी। यहां पे पी एस का मतलब है सेचुरेशन वैल्यू, ये है सेचुरेशन वैल्यू, ये है सेचुरेशन वैल्यू। ये करो बनाइए एक बार, ये करो बनाओ एक बार, तब तक मैं स्टेटमेंट और लिखता हूं भाई किसका। द पॉपुलेशन वुड प्रोबेबली फॉलो, द पॉपुलेशन वुड probably follow, probably follow the growth curve, follow the growth curve, follow the growth curve. Characteristics of living things, characteristics of living things within limited space, limited space, limited economic opportunities, limited space and limited economic opportunities. ये करो बनाओ और ये स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं बताता हूं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बनाइए, किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या कर्व देख के?
भोले सिंह क्या समझ आया? ये लिख लिया क्या पूरा? डन? इनिशियल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन और बाद की ग्रोथ बाद वाले ग्रोथ डिपेंड नहीं करती क्या पॉपुलेशन पे? अच्छा एक चीज बताओ भाई, ये चीज तो क्लियर है कि टाइम के साथ साथ किसी सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन कम तो नहीं होती। अगर यहां पे एक चीज लिखी है, द पॉपुलेशन वुड प्रोबेबली फॉलो द ग्रोथ कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विद इन लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कि उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उस एरिया के जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर चेंज ना हो तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है पॉपुलेशन। कैसे? जैसे जिस तरह से गुड़गांव की ग्रेटर नोएडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अगर उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चेंज ना हो, अगर उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अब के जैसी है वैसे ही बनी रहे तो टाइम के साथ साथ सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ सिटी की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। ये जो पहला फेज है किसी भी सिटी का, किसी भी सिटी के पहले फेज से मतलब है कि जब सिटी यंग हो, यंग सिटी से मतलब होता है कि वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, जैसे ग्रेटर नोएडा है। तो अभी ग्रेटर नोएडा में जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ज्यादा है अभी, तो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन तो बढ़ती है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके इंक्रीमेंट की रेट बहुत है, उसके इंक्रीमेंट की रेट बहुत है। उसके बाद फिर एक ऐसा फेज आता है जब रेट ऑफ इंक्रीमेंट कांस्टेंट हो जाता है। पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा था वो रेट कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जब सेचुरेशन पॉपुलेशन की तरफ वैल्यू बढ़ने लगती है, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली पे पॉपुलेशन सेचुरेशन लेवल पे आ चुकी है, अब वहां उस रेट से पॉपुलेशन नहीं बढ़ सकती जिस रेट से ग्रेटर नोएडा में या गुड़गांव में बढ़ती है। तो वहां पे ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो रेट है वो रेट पहले की तुलना में कम हो जाता है, पहले की तुलना में कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो पी एस माइनस पी के प्रोपोर्शनल होता है। पी एस का मतलब है सेचुरेशन पॉपुलेशन और पी का मतलब है प्रेजेंट पॉपुलेशन। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? चलिए, ये तो ग्रोथ कर्व की बात हुई। अब हमारे पास अलग अलग तरीके हैं पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के। कोई भी तरीका आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं बता देता है कि आपके जो पेपर में रिजल्ट आया है वही 20 साल के बाद पॉपुलेशन होगी। हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि हो सकता है उस सिटी का पॉपुलेशन अगले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में इतना हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि तुमने कैलकुलेशन कर ली, तुम्हारे हिसाब से पॉपुलेशन कुछ आई और रियल में पॉपुलेशन कुछ और हो, तुम बोलोगे सर ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं। सो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, यहां से तुम्हारे एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अलग अलग मेथड है हमारे पास, तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। Arithmetic
इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। यहां पे पी एन है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स, क्योंकि पॉपुलेशन की जो हम काउंटिंग करते हैं वो एक डिकेड में एक बार करते हैं। पी नॉट का मतलब है प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और एन का मतलब है नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स फ्रॉम लास्ट काउंट, लास्ट काउंट का मतलब प्रेजेंट ही होता है। और एक्स बार है अरिथमेटिक एवरेज या फिर एवरेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन, एवरेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन ये होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर तुमको कोई डिकेड दिए हो, ठीक है, अगर तुमको कोई डिकेड दिए हो और प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हो, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हो, ऐसा कुछ दिया है तुमको, मान लीजिए 1950 की पॉपुलेशन दी है, 1960 का दिया है, 1970 का दिया है, 1980 का दिया है, इनका पॉपुलेशन दिया है। इसका पॉपुलेशन है सपोज एक्स वन, इसका पॉपुलेशन है सपोज एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। 1950 से लेके 1980 की पॉपुलेशन आपको दी है। अब वो आपसे पूछता है कि साहब 2020 की पॉपुलेशन कितनी होगी, 2020 की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको इस वाले मेथड के हिसाब से चल रहा है, सबसे पहले आपको इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, उसका वैल्यू सपोज वाई वन आता है। फिर ये तो 60 से 50 का इंक्रीज हो गया, फिर 70 से 60 का हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू, ये सपोज वाई टू आता है और ये सपोज वाई थ्री आता है, ठीक है। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री। तो एवरेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, एक्स बार का वैल्यू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, ये एक्स बार की वैल्यू आती है। तो एक्स बार का वैल्यू आ गया। अब 1980 से लेके 2020, 1990, 2000, 2010, 2020, चार डिकेड हुए, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स फोर, एन की जगह पे क्या लिखेंगे, चार, और एक्स बार की जगह पे ये वाला वैल्यू, तब जाकर के आपको 2020 का पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पी एस बताया सेचुरेशन पॉपुलेशन, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन करेंगे इसका एक। अरे फोटो दिखाना बंद कर, लिख लिया क्या,
डन, सभी लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, लिख लिया होगा है ना। तो एक क्वेश्चन करके बताओ, एक क्वेश्चन करके बताइए हियर क्वेश्चन है, ईयर दिया हुआ है, ये पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। द पॉपुलेशन ऑफ फाइव डिकेट्स फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन इन टेबल। Find out population after 1 and 6 decades. Beyond the last known decade, by using arithmetic increase method. Year, ये मतलब क्वेश्चन में दिया है आपको year और population, 1930, 1940, 1950, 60 and 70. इसका पॉपुलेशन है 25,000, 28,000, 34,000, 42,000 एंड 47,000 करीब। इसके बाद आपको पहले डिकेड के बाद और सिक्स डिकेड के बाद पॉपुलेशन बतानी है, बताइए आंसर बताओ। आंसर बताइए, पहली टिकट के बाद आंसर कितना होगा और सिक्स टिकट के बाद आंसर कितना होगा। बताइए फटाफट,
प्रवीण कुमार 52,500 एंड 80,000 सही है क्या? सही है क्या? चेक करो बाकी लोग। आंसर सही है क्या इसका? करेक्ट। ओके देखते हैं, तो पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन के बाद आपको लिखना होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। अगला कॉलम आपको बनाना होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 40 से 30 में कितना इंक्रीज हुआ? 3,000। 50 से 40 में कितना इंक्रीज हुआ? 6,000। और 42 - 34 8, और यहां से यहां तक 5,000। तो x बार कितना होगा? 3 और 6 9 और 8 17 और 5 22 22,000 डिवाइडेड बाय कितने डिकेट में हुआ ये? 4। तो एक डिकेट का एवरेज कितना हो जाएगा? 5,500। तो पहला है पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेट, पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेड। 1970 की नोन है तो इसके अगला डिकेड, एक डिकेड बाद कौन सा होगा? 1980 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? पी नॉट, पी नॉट का मतलब 1970 प्लस एन का मतलब कितना? 1, और एक्स बार का मतलब कितना? 5,500। तो पी 1980 इज इक्वल टू 47,000 प्लस 5,500, 52,500। ये पॉपुलेशन होगी 1980। इसी तरह से पॉपुलेशन आफ्टर 6 डिकेड्स, पॉपुलेशन आफ्टर 6 डिकेड्स। तो 6 डिकेड बाद, यहां से 6 डिकेड, यहां से नहीं, जो लास्ट नॉन पॉपुलेशन है वो ये। तो 1970, 1980, 1990, 2000, कितना हो जाएगा? 80, 90, 2000 और 2010, 20, 30। तो पॉपुलेशन ऑफ 2030 हाउ मच? 47,000 प्लस 6 इंटू 5,500। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तकरीबन 80,000। ये एक तरीका है। जनरली ये जो तरीका है वो पुरानी सिटियों के लिए काम में लिया जाता है। जनरली ये जो तरीका है वो पुरानी सिटीज के लिए काम में लिया जाता है। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किसी को लिखना है क्या ये? किसी को लिखना हो तो लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं। किसी को लिखना हो तो लिख लो फटाफट। दो मिनट दे रहा हूं, लिख लो। किसी को लिखना हो तो फिर दूसरा मेथड पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से अभी तक? दूसरा तरीका है, दूसरा जो मेथड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दूसरा जो तरीका है वो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इसके हिसाब से पी एन इज इक्वल टू पी नॉट
पी नोट 1 + R/100 1 + R/100 की पावर n, ये होता है। यहां पे पी नोट वही प्रेजेंट पॉपुलेशन और पी नोट और पी एन तो तुमको पता है, एन भी तुमको पता है, आर क्या है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, और एवरेज कौन सा, ज्योमेट्रिक एवरेज। आर की वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, देखिए अगर आपको कोई डिकेट दिया हो, अगर आपको कोई डिकेट दिया हो और उसका पॉपुलेशन दिया हो, ठीक है, डिकेट मान लेते हैं एबीसीडी डिकेट दिए हैं आपको, एबीसीडी डिकेट दिए हैं, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन एक्स वन, इसके लिए पॉपुलेशन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ये पॉपुलेशन दी है। पॉपुलेशन के बाद आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना होता है, आपको इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना होता है, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये सपोज आ जाता है y1, ये आ जाता है सपोज y2, ये आ जाता है सपोज y3। अब इनका एवरेज नहीं होता r, अब ये तो इंक्रीज हो गया, मान लेते हैं कि पॉपुलेशन यहां पे 10,000 थी और यहां पे पॉपुलेशन 12,000 हो गई, यहां पे पॉपुलेशन 12,000 हो गई, सॉरी यहां पे पॉपुलेशन 12,000 हो गई, तो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट कितना हुआ 2,000, ये 2,000 का इंक्रीमेंट कितने पॉपुलेशन पे हुआ 10,000 पे हुआ, तो इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट निकालना है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट, तो ये 2000 किस पे इंक्रीज हुआ 10,000 पे, मतलब रेट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा R1 का वैल्यू Y1 by X1 into 100, इसी तरह से R2 हो जाएगा Y2 divided by X2 into 100 और R3 हो जाएगा Y3 by X3 into 100, ठीक है, इस तरह से इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब जो तुमको R लिखना है, R होता है R1 into R2 into R3, इसी तरह से Rn तक, और इसकी पावर 1/n, इस तरह से हम R लिखेंगे, बाकी चीजें आपको n तो पता है, P नॉट भी पता है, तो इनसे Pn आ जाएगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, करिए ये लिख लो एक बार, R कैसे पता किया ये लिख लीजिए पहले, डन। बता देना लिख लो तब, डन, ओके। तो इसमें ये ध्यान रखना आर किस तरह से निकालते हैं, यही चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है, आर निकालना आ गया तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसका भी क्वेश्चन करते हैं एक। डिटरमाइन द फ्यूचर पॉपुलेशन, क्वेश्चन है डिटरमाइन
द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर द ईयर 2011 फॉर द ईयर 2011 और आपको डेटा दिया है ईयर पॉपुलेशन इन थाउजेंड नाइनटीन फिफ्टी वन, 1961, 1971, 1971 एंड 81 ये पॉपुलेशन आपको दी है. ये है 93,000, ये है 111,000, ये है 132,000, ये है 161,000. आपको 2011 की पॉपुलेशन चाहिए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से. बताइए फटाफट. बताओ फटाफट. आर का वैल्यू बता देना एक बार. आर का वैल्यू कितना आया एक बार आर बता देना. आर का वैल्यू कितना आया. आर 20.03. वेरी गुड. बस पॉपुलेशन आ जाएगा. आर आगे आ गया. सभी के वैल्यू आ जाने चाहिए आर की.
278 सही है क्या? 278 पॉपुलेशन सही है क्या? चेक करो एक बार बाकी लोग करेक्ट चलिए इसमें अगर इंक्रीज निकालेंगे तो इंक्रीज कितना होगा 111 माइनस 93 सात और 11 18 18 ये कितना होगा 21 और 61 माइनस 32 29 ठीक है रेट ऑफ इंक्रीमेंट तो R1 का वैल्यू क्या होगा R1 इज इक्वल टू 18 बाय 93 इंटू 100 और इसका वैल्यू आएगा 19.35% R2 का वैल्यू आएगा 21 बाय 111 इंटू 100 ये वैल्यू आता है 18.92 तकरीबन 18.92 और आर थ्री का वैल्यू आता है 29.132 इंटू 100 ये वैल्यू आता है 21.97 तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री की पावर 1/3 तो R comes out to be 19.35 into 18.92 into 21.97 की पावर 1/3 ये आ जाएगा 20.03% पर डिकेड आएगा आंसर इधर ना पर डिकेड 20.03% पर डिकेड तो पी एन का फॉर्मूला होता है पी नॉट 1 प्लस आर बाय 100 एन तो ये हमसे पूछ रहा है 2011 का तो पी 2011 इज इक्वल टू पी नॉट का वैल्यू कितना होगा 161 के 1 प्लस आर की पावर 20.03 बाय 100 और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 से 91 फिर 2001 फिर 2011 तीन तो P 2011 इज इक्वल टू 278.417 के मतलब 278.417 इतनी पॉपुलेशन होगी इतना पॉपुलेशन होगा ये बात है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की ये बात है ज्योमेट्रिक लिख लीजिए जिसको लिखना है जिसने सोल्व नहीं किया वो लिख लो फटाफट जिसने सोल्व नहीं किया वो लिख लो लिखो फटाफट डन
चलिए यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे एक नोट लिखना, वो तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कहीं। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। द डिजाइन इंजीनियर इन द फील्ड जनरली अडॉप्ट अरिथमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हाउएवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स On water treatment, Government of India manuals on water treatment recommends geometric mean method. ये ध्यान रखना, तुमसे ये पूछा जाएगा मैक्सिमम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है, तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, क्योंकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की वैल्यू अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से ज्यादा आती है, तुम कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, अरे आंसर डेसिमल में आएगा तो उसको पूरा बना देंगे, डेसिमल में पॉपुलेशन थोड़ी होती है, आदमी आधा पौना पैदा थोड़ी होता है। जैसे पॉपुलेशन आया 29,046 इतना 0.4, तो 64 कर दो, 0.4 आदमी पैदा थोड़ी होगा, डेसिमल में नहीं देना होता आंसर पॉपुलेशन का। ठीक है, डेसिमल में आंसर नहीं देना होता। अगला मेथड है एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट। इसके हिसाब से पॉपुलेशन Pn = P0 + nx bar + n × n+1/2 y bar। P नोट क्या है, Pn क्या है, ये तो आपको पता है, X बार भी पता है, मैं वापस लिख देता हूं, X बार है यहां पे एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नोन डिकेट्स, एंड Y बार इज एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ नॉन डिकेट्स। देखिए मतलब क्या है इसका, एक्स बार का मतलब तो हम जानते हैं, बात है वाई बार की।
होता क्या है, सपोज कीजिए आपको डिकेड दिए हुए हैं, डिकेड के अलावा आपको पॉपुलेशन दिया है, ठीक है, डिकेड दिए हैं सपोज एन वन एन टू एन थ्री एन फोर एन फाइव, ठीक है, इस तरह से तुमको डिकेड दिए हैं, डिकेड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन दिया है सपोज ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ये पॉपुलेशन दिया है। अब इनका जो इंक्रीज होगा, इनका जो इंक्रीज होगा वो निकाल लेंगे, ए टू माइनस ए वन मतलब इसका इंक्रीज आता है सपोज एक्स वन, इसका इंक्रीज आता है सपोज एक्स टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर। तो x बार तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे, x बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर बाय फोर, ये तो हो गया x बार। y बार क्या होगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, मतलब जो इंक्रीज हुआ उसमें भी कितना इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल इंक्रीज। अब हो सकता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पहले वाले डिकेड में 10,000 पॉपुलेशन बढ़ी हो, दूसरे वाले डिकेड में 8,000 बढ़ी, तो 8,000 माइनस 10,000 माइनस 2,000 आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू आए, इस वाई बार की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे सपोज वाई वन आ गया, एक्स थ्री माइनस एक्स टू करेंगे सपोज वाई टू आ गया, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री करेंगे सपोज वाई थ्री आ गया। तो जो वाई बार होगा वो y बार हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, तो इस तरह से x1 और y1 कैलकुलेट कर लेंगे। y1 क्या है, जो इंक्रीज हुआ उसका भी कितना इंक्रीज हुआ उसका एवरेज, और x1 तो निकालना जानते हैं क्योंकि आसान पड़ता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। प्रयाग प्रज्ञा, क्योंकि वो आसान है। तो यहां से x बार और y बार दोनों इस तरह से कैलकुलेट होते हैं, बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे पॉपुलेशन, डन सभी का। In a town,
क्वेश्चन है, इन अ टाउन इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड 200 लीटर पर कैपिटा पर डे, 200 लीटर पर कैपिटा पर डे एलपीसीडी. एस्टिमेट द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेट द डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाउन इन द ईयर ऑफ 2000, इन द ईयर ऑफ 2000 बाय प्रोजेक्टिंग द पॉपुलेशन, बाय प्रोजेक्टिंग द पॉपुलेशन using incremental increase method, population using incremental increase method. ठीक है, year दिया है आपको and corresponding population दी 1940 1950, 60, 70, and 80. इसकी पॉपुलेशन है 23798 23798624. इस टाइम पे पॉपुलेशन है 4698625 4 4 7 8 6 4 3 7 6 3 4 6 7 8 2 3 6 9 0 7 7 4 2 1. बताइए, ये पूछ रहा है कि 2000 में डोमेस्टिक वाटर सप्लाई क्या होगी दिल्ली की. क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे 2000 की, उसको जो एक आदमी को कितना पानी चाहिए 200 लीटर, 200 लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगा. करिए, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन बतानी, सबसे पहले आपको पॉपुलेशन बतानी है, फिर उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा. तुम लोगों का जियोटेक भी स्टार्ट होने वाला है क्या एक दो दिन में? कल से मंडे, टाइमिंग क्या रहेगा उसका? फोर पीएम से एट एएम. एट तो ये चल रहा है ना एनवायरमेंट. हाँ तो एट पे तो एनवायरमेंट चल रहा है ना शाम को 4 बजे से. ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, पहले पॉपुलेशन कितना होगा.
पॉपुलेशन बताइए पहले। सर आपसे कांटेक्ट के लिए मैं बता दूंगा अभी। उसके लिए ये रहेगा कि अगर तुमको कोई डाउट हो तो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, जी यहाँ पे आप अपने डाउट प्लेस कर सकते हो, और कोई बात करनी होगी तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप डाउट प्लेस कर सकते हो आपको जो भी बात हो। बाकी ये मेरा फोन नंबर है। पहले इसका आंसर बताइए, एक्स बार का वैल्यू वाई बार का वैल्यू बताओ कितना आया। एक्स बार वाई बार का वैल्यू कितना आया, कैलकुलेट किया गया किसी ने एक्स बार वाई बार। एक्स बार इतना 1131969 और वाई बार 1 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 बार
देखिए सबसे पहले इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज कर लोगे ना, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, मेरे पास वैल्यूज है 2317971। इसका इंक्रीज होगा 780-812-86-81-386-560-9598। इसका मैं डायरेक्ट एक्स बार लिख रहा हूं, तो एक्स बार का वैल्यू आएगा 1131-9699। आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज अगर निकालेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज ये होगा -1537-1589। दूसरा वाला होगा पॉजिटिव 873274। तीसरा -3071788। इसका वाई बार का वैल्यू आ जाएगा -585601। तो अगर फॉर्मूला लिखें पी एन का इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस
प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू वाई बार। यहां पे एन कितना होगा, हमसे पॉपुलेशन मांग रहा है 2000 की, 2000 की, तो एन का वैल्यू होगा 2। तो पी 2000 इज इक्वल टू पी नॉट का वैल्यू 6907742 1 प्लस एन का वैल्यू 2 इंटू एक्स बार का वैल्यू 1131 9699 प्लस एन 2 इंटू 2 प्लस 1 3 बाय 2 इंटू माइनस 5856701। इसको सोल्व करेंगे तो पॉपुलेशन आ जाएगा 2000 का 7414 6716, इतना पॉपुलेशन होगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा 7414 6716 इंटू 2000, ये तो आएगा लीटर पर डे। अगर आपको लीटर पर ईयर चाहिए तो 365 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इतना पानी चाहिए होगा। जब ज्यादा क्वांटिटी पानी की होती है तो हम मिलियन लीटर पर डे में लिखते हैं, 1 मिलियन में कितना 10^6, तो मिलियन लीटर में आंसर लिखते हैं, ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है तब। तो इसको लिख लीजिए एक बार, लिख लो फटाफट। हाँ 1429 × 10^6, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 14829 मिलियन लीटर पर डे, MLD 14829 मिलियन लीटर पर डे। लिख लिया सबने, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी तरीके की? हाँ भाई, समझ में आ रही है चीजें? रेस्पॉन्स तो करे किया करो यार। चलिए ठीक है, तो आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।